दक्षिण भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर किसी चीज के लिए वह मुख्य तौर से जाना जाता है तो वो है उसके सुंदर, शानदार और भव्य दिव्य मंदिर। ऐसा ही एक खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिले में तिरुमला नामक पहाड़ी शहर में स्थित है, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ अनकही बातें। वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा दिन में 6 बार होती है। माना जाता है कि स्वामी की मूर्ति के पास जो दिया प्रज्वलित किया गया है वह कभी नहीं बुझता, और ऐसे भी मानते हैं कि यह दिया पिछले हजारों साल से जल रहा है। मंदिर में स्थित मूर्ति पर जो रेशमी बाल है वह असली है। जब भगवान के सिर पर चोट लगी और उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए, तब राजकुमारी गंधर्व ने उन्हें अपने कुछ बाल काट कर दिए थे, और विशेषतः ये बाल कभी नहीं उलझते। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमयी गांव है, जहां पर किसी भी बाहर के व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। स्वामी के चरणों में जो फूल और अन्य वस्तुएं चढ़ाई जाती है वह इसी गांव से आती है। मंदिर की दाहिनी तरफ एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब स्वामी छोटे थे तब इसी छड़ी से अनंत तलवर ने स्वामी के थोरी पर मारा था, जिस वजह से उनकी थोरी से खून बहने लगा, और वहीं से स्वामी के थोरी पर चंदन लगाने की प्रथा की शुरुआत हुई। हर गुरुवार निज रूप दर्शन के समय स्वामी जी को चंदन से सजाया जाता है, और जब वह चंदन निकाला जाता है तब मां लक्ष्मी देवी की छवि उनके वक्ष स्थल पे आ जाती है। कहते हैं अगर आप स्वामी जी की मूर्ति की पिछली तरफ कान लगाकर खड़े होते हो तो आप समुन्दर की आवाज सुन सकते हो।